हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जयराम और स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीलॉग चैनल में, जहां मेरा मकसद है वीलॉग से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचाने का। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो कृपा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं इसी तरह की वीडियोस बनाकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करते रहूँगा। हेलो दोस्तों, अभी हम नागपुर के एक संतोष फरसान बोल के एक छोटा सा यानी चाय का टपरी है, मैं एक चाय की चुस्की ले रहा हूँ। एक्चुअली मेरे बचपन के एक फ्रेंड है मिस्टर वेंकटेश, बड़े अरसे से मेरी एक इच्छा थी कि वो यहाँ आए, नागपुर आए और हमारे इस शहर को देखे। वेंकटेश जी जो है वो बैंगलोर से हैं तो उन्हें भी बड़ा मज़ा आ रहा है। गरम पोहे और प्याज वगैरह डालकर ऊपर में बहुत ही प्यारा लग रहा था, और उसके अलावा साबूदाना वड़ा, कचौड़ी, समोसा, जो चाहो सब कुछ अवेलेबल है। हम यहाँ पर नागपुर के रामदास पेट में जय सेवा पोहे वाले के सामने खड़े हैं। आज ये पोहे का मज़ा ले रहे हैं हम। हमारे वेंकट के साथ जो हरी जी है वो तो खैर नागपुर वासी है और हम सब बिलासपुर में एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। अभी नागपुर का ये पोहे का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि नागपुर आने के बाद अगर तरी पोहा नहीं खाए तो ये समझ लीजिए कि हम नागपुर ही नहीं आए। तो एक छोटा सा फैमिली पिकनिक हो रहा है, ये हमारे जो फैमिली वाले हैं साथ में वो भी पोहे का मज़ा ले रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? चलिए, ये एक छोटा सा गेट टुगेदर है दोस्तों, तो हमने सोचा कि इस गेट टुगेदर का जो आनंद है उसको आपके साथ शेयर करते हैं। और एक गुजारिश है कि आप लोगों में से भी यदि कोई नागपुर आए तो इस जय सेवा पोहे वाले का एक बार पोहा जरूर चखें और इस खूबसूरत शहर का मजा लें। वेंकट जी के छोटे से नागपुर प्रवास के प्लान में तरी पोहे के टेस्ट के बाद हम सीधे ड्रैगन पैलेस टेंपल पहुंचे। ये एक खूबसूरत बौद्ध मंदिर है दोस्तों, जो 0 माइल से करीब 18 किलोमीटर दूर कामटी में स्थित है। जापान के ओगावा संस्थान के सौजन्य से 1999 में बनी यह खूबसूरत मंदिर में स्थापित है असल चंदन से तराशी बुद्ध देव की अद्भुत मूर्ति। Thank you.
यह खूबसूरत परिसर ध्यान, साधना एवं मन की शांति के लिए अति उत्तम है। सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के साथ चारों ओर स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण से सुसज्जित यह परिसर किसी जन्नत से कम नहीं है। इस परिसर को छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है दोस्तों, लेकिन कुछ और जगह देखना भी अभी बाकी है, इसलिए अब इस परिसर को छोड़ने का वक्त आ पहुंचा है। यहां से हम नागपुर की प्रसिद्ध मां जगदम्बा की कुराड़ी मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे नागपुर शहर के कुराड़ी क्षेत्र में स्थित है मां जगदम्बा की पावन भूमि। तीन सौ वर्ष पुराने इस प्रांगण में मां जगदम्बा स्वयंभू प्रकट हुई है। 150 एकड़ में फैली इस पावन भूमि को पर्यटक क्षेत्र की दर्जा दी गई है। भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में इसे भी एक शक्तिपीठ माना गया है। जगदम्बा की अपरंपार शक्ति को भक्तगण उनके परिसर में महसूस कर चुके हैं और ऐसा माना गया है कि माताजी विभिन्न समयों पर अलग अलग रूपों में दर्शन देती हैं। वैसे तो नागपुर में देखने के लिए और बहुत से प्लेसेस हैं दोस्तों, लेकिन इस वीलॉग में केवल इतना ही है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आपसे मिलूंगा।
और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलिएगा। एक बार फिर जयराम, आप सभी को ढेर सारा प्यार देकर आपसे बहुत जल्द मिलने का वादा करता है। हैव अ नाइस टाइम। नमस्कार। जय हिंद।